प्रबोधक श्री श्रवण कुमार वो थोड़ी देर में हमारे वहाँ पधारेंगे और फिर उसका शिविर विधिवत रीति शुरू करेंगे। प्रेयर से शुरू करेंगे हम। देन दाता मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लंबी सांस अंदर भरें और छोड़ें, आंखें बंद। हार्दिक स्वागत है और कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले, और आपने एमएड भी चालू जॉब के दौरान एमएड इग्नो में से और एनईटी वो भी किए, आप यूपी स्टेट रिसोर्स ग्रुप में एजुकेशन की जिम्मेदारी के साथ बहुत पूरे स्टेट में एजुकेशन एक अच्छे स्थिति पर जाए उसके लिए जो ग्रुप था उसमें आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किए हैं और वो जिम्मेदारी के साथ बहुत साल वहाँ यूपी में गुजारे। जीवन विद्या के साथ परिचय में आए, 2006 में उनका विद्या से परिचय हुआ और आपने पहला परिचय शिविर सोम भैया का 2006 में हरिद्वार में किया, और पहला शिविर करते ही उसके अंदर जो बहुत कुछ, क्योंकि उनके पहले भी जन्म से लेके उनकी खोज हमेशा ऐसी रही थी, तो अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारीज, बहुत तरीके के साधना विधियों से वो खोजते रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, वो करते रहे। और हरिद्वार में जो पहला परिचय शिविर उन्होंने किया तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो खोज है वो शायद यहीं से है, तो उसके तुरंत बाद दूसरा परिचय शिविर लग रहा था वो भी आपने किया। उसके बाद 6 महीने का अछोटी में अध्ययन कार्यक्रम में पूरा 6 महीने आप जुड़े और अध्ययन किया। 2016 में आप दिल्ली आए और दिल्ली में
SERT सेल जो बना है उसमें मेंबर के रूप में आपने अपना कार्यभार, अपना जिम्मेदारी वो संभाला, और जो वहाँ का दिल्ली का SERT सेल है वो जो जीवन विद्या है वो बच्चों के माध्यम से कैसे स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है उसके लिए कार्यरत हैं। तो आप टीचर्स के साथ जीवन विद्या के परिचय शिविर करते हैं, जो उत्साही टीचर हैं उनको TOT ट्रेनिंग्स, टीचर्स ट्रेनिंग CTTL के माध्यम से वो टीचर्स को तैयार करने का जिम्मेदारी आप संभालते हैं, और बच्चों के साथ हैप्पीनेस कैरिकुलम वहाँ की एक कोर्स डिजाइन हुआ है, KG से लेके 8 क्लास तक बच्चों को ये जीवन विद्या कैसे क्लास में पढ़ाया जाए उसके लिए हर क्लास का अपना एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए, मॉड्यूल के पाठ्यक्रम जो लिखना है उसके लिए, और अभ्यासक्रम पूरा डिजाइन करने की जो टीम बनी है उसमें आप मेंबर के रूप में, एक्टिव मेंबर के रूप में बहुत अच्छे से काम किए हैं। पिछले 5 साल से आप जीवन विद्या के परिचय शिविर भी साथ साथ ले रहे हैं, हमारे बीच में गुजरात में वो उनका पहला शिविर है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हमने आज से 5-6 महीने पहले सोम भैया यहाँ पर आए थे और उनका 1-2 घंटे का इंट्रोडक्शन सेशन था। उसके अंत में हमने एक संकल्प किया था कि 1 साल के भीतर भीतर हम, दशरथ भाई का संकल्प था कि 1 साल के भीतर भीतर हम लोग यहाँ विसनगर में परिचय शिविर लगाएंगे, और आप सब लोगों ने बहुत जोर से उसका स्वागत किया था। तो उसी फलश्रुति के रूप में ऐसे ही तालेगढ़ स्कूल के साथ श्रवण भाई 2 सेशन आगे कर चुके हैं, और वो 2-2 दिन के टीचर्स के साथ के सेशन थे। उसी दौरान हमको विचार आया कि दीपावली के जो वैकेशन है उसमें सारे लोग उनका लाभ ले सकते हैं, तो उनकी अनुकूल तारीखें जी थी, यही तारीखों में हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। तो ऐसे हस्ती के साथ श्रवण भाई को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, हम तालियों से उनको स्वागत करेंगे और आगे की यात्रा हमको कराएंगे। श्रवण भाई बोनी वो माइक। हाँ थोड़ा पीछे फैल के बैठे आपको
आप बोल रहे हैं आज इनको को मैं हाथ खड़े कर प्रश्न आप तक गया, मैं जो कह रहा हूं आप तक गया कि आपको जब सूचना मिली कि जीवन विद्या सिलेक्ट करना है तो आपके मन में क्या आया कि आप जीवन विद्या सिलेक्ट करने को तैयार हो गए बताइए। नमस्कार। जीवन विद्या के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, कुछ वीडियो देखे थे, तो इच्छा हुई कि जीवन कैसे जिया जाता है और अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ऐसा उनका कहना है, तो वो सीखने के लिए दो बातें आई। जीवन कैसे जिया जाता है, ये हिंदी में लिखा हुआ सबके समझ में आएगा ना? जी हाँ। एक और इसमें मेरा आग्रह है कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग हिंदी में अपनी बात को कह ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो लोकल भाषा गुजराती है उसमें आप सहज महसूस करेंगे, तो आप गुजराती में भी बोल सकते हैं, मुझे समझ में आएगा। अच्छी बात है तो कोई समझा देगा, ठीक है, तो इसलिए वो संकोच मत करिएगा। हाँ जी, एक आया कि जीवन कैसे दिया जाता है और नमस्कार जी। हाँ एक मिनट, आपको दूसरा क्या था? समस्या है तो समाधान है। मेरा नाम पिनाकिन परेख है और मैं मिस्टर दर्शन समझ पड़ेगा बढ़िया। नाम मेरा रमेश पटेल है, कृष्णा नगर से हूँ। जब ये सुना पहली बार तो मुझे अच्छा लगा, इस प्रोग्राम में भी तो मेक द लाइफ रेगुलर मेंटली एज वेल एज फॉर 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 बिजनेस, ये जो प्रोग्राम है
जैसे पहली क्लास पास हो गए तो दूसरी में क्यों गए? या तो पहली पास ही नहीं गया। अभी क्या उसके अभी क्या बोलेगा
उसको समझा जाए कि पहले अति मानव से हम नीचे आए या जीवावस्था से ही ऊपर अभी जा रहे हैं। दिव्य मानव ऐसा होगा। बढ़िया, इसको तो पूरा हैंडल कर लिया। अपने शरीर का फोकस ही यही है। और आपने शरीर पहले किया है? नहीं। आगे सिर भी शुरू करें बताइए। बढ़िया, तो पहला तो जीवन विद्या शिविर कोई धार्मिक कार्यक्रम धार्मिक आयोजन नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, जीवन विद्या शिविर कोई आपको पद्धति बताने वाली नहीं है। आप कोई पद्धति करेंगे और उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तीसरा, जीवन विद्या शिविर का जो कंटेंट है वो बताने के लिए ये किसी पीछे के दर्शन या किसी महापुरुष का सहारा नहीं लेता, किसी मशीन का सहारा नहीं लेता, विज्ञान का भी सहारा नहीं लेता। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो जैसा है तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम चीजों का दर्शन करते हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है कोई बताएंगे? दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन हम दर्शन करते हैं, इसका मतलब क्या है? अनुकूल अनुभूति पाना। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अनुभव पाना। हाँ ठीक है, अनुभव नहीं अनुभूति। अनुभूति, हाँ वो भूति मैंने सुना, बुद्धि अनुभूति पाना, ये ठीक है, बढ़िया है। तो दर्शन किसे कहते हैं? हाँ जी, माइक बंद है, थोड़ा माइक बढ़ाना पड़ेगा, संख्या ज्यादा है तो। जो जैसा है उसको उसके मूल स्वरूप में देख पाना। बहुत बढ़िया, काम का दर्शन को वैसा ही देख लेना, बहुत अच्छा उत्तर है। उसमें बिना अपनी कोई क्रिएटिविटी लगाए, बिना अपनी कोई कंडीशनिंग लगाए, जैसा है वैसा समझ पाना। देख लेना का मतलब समझ लेना, देख लेना जब बोलते हैं तो हमको लगता है आंख से देख लेना। ठीक है, तो दर्शन का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देख लेना। तो ये जो जीवन विद्या शिविर है, इसमें जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस प्रस्ताव के माध्यम से हम जो चीज जैसा है उसको वैसा देखने की कोशिश करेंगे, मानव जैसा है उसको वैसा देखने की कोशिश करेंगे, प्रकृति जैसी है उसको वैसा ही देखने की कोशिश करेंगे, होल एग्जिस्टेंस जैसा है उसको वैसा ही देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा है उसको वैसा ही देख पाते हैं तो अपना कनेक्शन हम बना पाते हैं, नहीं तो हम कनेक्शन किसी धर्म जाति पूजा पद्धति भाषा अन्य चीजों के आधार पर बनाते हैं।
जैसे आप गुजरात के हैं, एक जगह जैसे आप गुजरात के हैं और आप दिल्ली चले गए और आप ऐसे घूम रहे हैं, तब तक कोई आपके कान में गुजराती आवाज सुनाई नहीं जाती, आप तुरंत घूम जाते हैं, आप गुजराती हैं क्या? मतलब क्या है, भाषा के आधार पर आप संबंध को पहचानते हैं मानो, ठीक है, बात धीरे धीरे होती है। बल्कि गुजरात में आप घूमे तो गुजराती लोग बोलो, यहाँ ऐसा कोई संबंध नहीं, यहाँ पर जाति धर्म आदि चीजों में जरूरत है, अपना बिरादरी है कि नहीं, अपने गाँव का है, अपना पड़ोसी है, अपनी जाति का है, अपने धर्म को मानने वाला, तो ये एक ढंग का है। और ये पूर्णतः सुनने का कार्य है, सुनना मतलब, सुनना मतलब सुनना, तो सुनना कान से होता है कि ध्यान से होता है? जी ये वर्ड है लर्निंग एंड लिसन, जी हाँ, तो सुनने के लिए कान के साथ ध्यान का होना अनिवार्य है, नहीं तो कान है और आप पूरे दिन बैठे नहीं सुन सकते। तो एक्चुअली हाँ जी, तो सुनने का मतलब होता है कि कान से सुनने का मतलब और ध्यान से सुनने का मतलब क्या है, कि जब हमको सुनने की स्थिति में ही है, सभी तक बात जा रही है, जब हम सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं, विद्यार्थियों के लिए बात है कि जब हम पढ़ते हैं तो भी सुनते ही हैं, इसीलिए आप देखेंगे गार्जियन बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बोल के पढ़ो, क्यों? क्योंकि बोल के पढ़ने से काम से भी फीलिंग होती है और अंदर से होती है। तो जब हम सुनते हैं तो सुनने का मतलब ये हुआ कि जो चीज जैसा है उसको वैसा ही सुनते हैं, मतलब अपना कुछ उसमें नहीं लगाते। अब इसमें जो हम विधि अपनाएंगे वो संवाद विधि है, क्योंकि दो या ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत करने की दो तीन विधियां हैं। पहली विधि है गपशप। गपशप क्या होता है? गपशप क्या होता है? देखिए सेशन पूरा इंटरेक्टिव होना है तो माइक पूरा दो तीन चार रहे हैं, ठीक है, आगे से देखेंगे। हाँ जी, गपशप का मतलब, गपशप का मतलब आप गपशप नहीं करते क्या? इस सभा में कोई गपशप नहीं करता, करते ना बताइए उसका मतलब क्या होता है? बिना किसी विषय के बात विचार विचार लेने और गोष्ठी होती है, ऐसा गप सब करते हैं आप, और अनरिलेटेड टॉक, और तो चलिए, तो गप सब का मतलब ये हुआ जो आपने कहा वो भी सही है, आपने कहा कि विदाउट एनी सब्जेक्ट, हाँ जी, और बिन जरूरी चर्चा, हाँ खड़ा करिए, हाँ बिन जरूरी चर्चा, बिन जरूरी चर्चा, ठीक है। तो इसमें तो एक लाइन का अगर सीधा सीधा बात करें कि गप सब दो या अधिक लोगों के बीच में होने वाला वह बातचीत है जिसका अंत में कोई निष्कर्ष नहीं आता, किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचते नहीं है, लेकिन थोड़ा मजा आ जाता है, एंजॉय कर लेते हैं, मतलब निष्कर्ष कोई नहीं निकलता, थोड़ा मजा आ जाता है और संबंध भी थोड़े से और ठीक ठाक रहते हैं। दूसरा बातचीत का फॉर्मेट है बहस, जिसको बोलिए ना कि बहस हो जाती है, बहस, बहस में क्या होता है, जब सब में और बहस में अंतर है कि नहीं है? हाँ, तो बहस क्या है? दोनों अपना पॉइंट मतलब प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, तो उसमें जो संवाद होता है उसे बहस करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई फिक्स टॉपिक होता है और उसपे दो पक्ष, तीन पक्ष, चार पक्ष जो है बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अंत में कोई निष्कर्ष आता है? बहस का भी कोई निष्कर्ष आता है? इसका भी निष्कर्ष नहीं आता, क्योंकि एक जीत सकता है, हार सकता है, हारने वाले को स्वीकार ही नहीं, मैं हारा, जीतने वाले को थोड़ा सा ऐसा लगता है मैंने जीत गया, तो कुल मिलाकर के हाँ जी कुछ बोल रहे हैं। तो दंगल में थे, दंगल टीवी में आता है, हाँ टीवी में राजस्थान की चर्चा और दंगल की चर्चा, जी जी
तो कुल मिला के बात यही है कि जिसका अंत में कोई निष्कर्ष बहस में भी नहीं आता, लेकिन बहस में संबंध खराब होने की संभावना रहती है। कभी कभी तो फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है बहस के बाद। हाँ जी, और तीसरा एक बातचीत का तरीका है संवाद। क्या बोल रहे हैं कि आपके आय में प्रश्न है, इसको मैं लिख के बना के रखूंगा। तीसरा एक बातचीत का तरीका है संवाद। संवाद का मतलब ये बहस और गपशप से कुछ अलग है कि नहीं है? क्या अलग है? अपने विचारों को रखना। हाँ, अपने विचार को रखना तो एक व्यक्ति रखेगा, दूसरा क्या करेगा? मीन्स दोनों को स्वीकार हो ऐसे कंक्लूजन पे आना। हाँ ठीक है। और जी हार्मनी होना, ठीक है, बातचीत में हार्मनी बने रहना। ये हार्मनी कब बनी रहती है? तो इस संवाद शब्द के अर्थ में ही छुपा हुआ है। सम जो हाँ बिंदी लगी है, इसका मतलब होता है संपूर्णता या पूर्णता। जो यहां पूर्णता लिख रहे थे ना, यहां के अपूर्ण रहा, तो पूर्णता के अर्थ में बातचीत। पूर्णता का मतलब जो कुछ ये धरती है, अस्तित्व है, संबंध है, मतलब कोई सार्थक विषय पर दो लोग बातचीत करते हैं, दो या ज्यादा लोग, और अंत में किसी निष्कर्ष पे आते हैं। तो संवाद तब तक पूरा नहीं होता जब तक निष्कर्ष पे कहीं नहीं आते। तो हम लोग यहां 7 दिन तक संवाद करेंगे, न गप सप करेंगे, न बातचीत, न बहस करेंगे। समझी क्यों झगड़ा होता है? आप बहस करने लगते हो। तो एक्चुअली बहस इस बात का, अगर आप किसी अच्छे कंटेंट के साथ भी किसी से बातचीत कर रहे हैं और अंत में आपकी बहस में बदल जाता है, इसका मतलब आपको ही वो कंटेंट पकड़ नहीं आया है, आपका ही अधूरापन है अभी। मतलब आप भी सिद्ध ही करना चाह रहे हो, नहीं ये कैमरा है, कैमरा ही है, लेकिन अगला कारण नहीं, टेलीस्कोप है। तो आप कोई तर्क बनाओ बताने के लिए, आप जबरदस्ती कहोगे नहीं कैमरा है, नहीं मानेगा। आप तर्क बनाओ, तो आपको तर्क आपको बनाना, क्योंकि जिम्मेदारी आपने लिया है जी। तो जो भी संवाद को शुरू करता है जिम्मेदारी उसकी होती है। तो यहां संवाद को मैं शुरू कर रहा हूं तो जिम्मेदारी मेरी है। आपसे जो बातचीत होगा उस बातचीत में निष्कर्ष तक ले जाना, यह जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो आप अगर उस जिम्मेदारी के साथ खड़े होते हैं तो आप सामने वाले से बहस नहीं करते, ठीक है? फिर धीरे धीरे ये योग्यता है ना, धीरे धीरे आएगी, क्या दिक्कत है? तो एक तो ये बात सेट हो गई कि इसमें हम, हाँ जी, ब्रेक कब करना है बता दीजिएगा, क्योंकि घड़ी तो है नहीं कहीं लगी, मैं देख लेता हूँ घड़ी। 11 को ब्रेक करेंगे, यानी 14 मिनट है अपने पास जी। तो कुल मिला करके यहाँ पे संवाद करेंगे, लेकिन संवाद करने का एक तरीका होगा। तरीका ये होगा कि यहाँ जो भी बात रखी जाएगी आपके सामने वो प्रस्ताव होगी, प्रपोजल होगी। क्या होगी? प्रस्ताव। आपके सामने, मेरे द्वारा, आपके सम्मुख मेरे द्वारा बातचीत रखने के करने के लिए जो कुछ भी रखा जाएगा वो प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव भी कैसा होगा? इसको मानना नहीं है, पहली शर्त कि मेरे द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा उसको आपको मानना नहीं है। यहां से शुरुआत करेंगे, फिर क्या करना है? तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आगे इसमें करेंगे कि उसको जानना है। जानना है, मानना और जानना में क्या अंतर है बताइए? हाँ, क्योंकि पहले ये स्पष्ट रहे ना, मानना और जानना में क्या अंतर है?
हेलो हेलो, मानना यानी जो सामने वाला बोलता है उसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेना, और जानना यानी एक्सपीरियंस करके फील करना और देखना। बढ़िया, और कोई मान इससे अलग कोई बात अगर किसी की हो मानना और जानना के बारे में? जो रूटियां चली आती है उसमें ही चलना, वो जानना है, मानना है, मानना है, और कुछ थिंकिंग करके पढ़ के उसमें अपने अपना थॉट्स इन्वॉल्व करना, वो जानना। बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे कि वो दोस्त ने बताया कि मानना मतलब सीधा एक्सेप्ट कर लेना, और जानना मतलब अगर कोई बात कह रहा है तो वो बात को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके उसके ऊपर थोड़ा संवाद करके बाद में वो एक्सेप्ट करना, दैट इज जानना। बहुत बढ़िया, और कोई? मान लेना, मान लेना यानी ऐसे कह सकते हैं कि जवाबदारी नहीं लेना। हाँ हाँ, और जानना यानी मैं जवाबदारी लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। इसको और भी एक ढंग से कह सकते हैं कि जो चीज मेरी मानी हुई होती है। हाँ जी, नमस्ते, सभी सुन रहे हैं? हाँ, ये मैं बार बार नमस्ते करूंगा, आप बोलेंगे तो आप आपस में बात करेंगे, तो आपको बार बार नमस्ते करवाना है नहीं? चलिए, तो मानने का मतलब ये हुआ कि जो चीज मैं मान के जीता हूं उसमें मेरा खुद का विश्वास नहीं रहता, मेरा अपना विश्वास उसमें नहीं रहता। कोई अगर उस पर प्रश्न खड़े किया तो मेरे पास एकाध प्रश्न के बाद उत्तर गायब। क्यों? क्योंकि मैं उसको जाना ही नहीं था। लेकिन जाने हुए में, जानने का मतलब ही है कि मेरा विश्वास उसमें है। तो अब जाने कैसे? तो इसका तरीका है जांचना, जांचना, जांचना कैसे? तो एक तो स्वयं के ऊपर निरीक्षण पूर्वक। अभी देखिए, इस बोर्ड पे जितने भी शब्द लिखे जाएंगे उस सारे शब्द पे बात होगी, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक जांचना होता है। निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, ये तीनों शब्द आपका सुना हुआ है, ये तीनों शब्द आपके सुने हुए हैं पहले अपने जो परंपरा में, अपने पढ़ाई लिखाई में। तो इन तीनों शब्द का क्या मतलब आपको लगा? निरीक्षण का मतलब क्या होता है? निरीक्षण का मतलब हुआ कि उसको एग्जामिन करना, रादर इट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। हाँ, और परीक्षण? वही, हाँ, परीक्षण मतलब वो, हाँ, परीक्षण मतलब कि वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसका प्रयोग करना। तो निरीक्षण परीक्षण में क्या अंतर हुआ? वो उसको सिर्फ निरीक्षण मतलब उसको निखारना है, जानना है। हाँ, सिर्फ वो थिंकिंग लेवल पे हुआ। बढ़िया, और परीक्षण? वो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल भी करना। बढ़िया, सर्वेक्षण का मतलब? सर्वेक्षण का मतलब वो दूसरों के लिए क्या होता। ये तीनों गुजराती में चलता है कि नहीं? शब्द चलता है ना, ठीक है, बढ़िया। तो इसको जो हम यहां रखेंगे तो निरीक्षण का मतलब होता है स्वनिरीक्षण, मतलब स्वयं के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है ये स्वयं के काम के लायक है या नहीं है, मेरे काम के लायक है कि नहीं है। परीक्षण का मतलब होता है परस्परता में, म्यूचुअल, मतलब जिसके साथ मैं जीता हूं, तो मैं अपने किसी संबंधी के साथ ही जीता हूं, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, जिस परस्परता में मैं जीता हूं उसमें उस प्रस्ताव को जांचा जाए क्या उनके लिए वो सही है कि नहीं है। और जब कोई प्रस्ताव मेरे लिए सही होगा, मेरे परिवार, मेरी परस्परता में सही होगा, तो एक अनुमान बनता है कि ये सबके लिए सही होगा, इसी को सर्वेक्षण बोलते हैं, ठीक है? तो इसको और सीधी सादी भाषा में हम बोलते हैं
कि कोई प्रस्ताव मेरे सामने आया है, मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसको सुना है, मैंने उसको देखा है, इन्हीं तीन तरीके से प्रस्ताव आते हैं, तो क्या वो मेरे जीने के काम के लायक है, क्या मेरे परिवार के काम के लायक है? अगर मेरे और मेरे परिवार के काम के लायक होगा तो ही वो सबके काम के लायक होगा, यही सत्य है, आप जांच के देख लीजिए। अगर मेरे ही काम के लायक नहीं है, मेरे परिवार के काम के लायक नहीं है, तो किसी के काम के लायक होगा? क्यों? क्योंकि मानव, जैसे बोलते नहीं नहीं जी ये समाज के काम के लायक है, तो समाज क्या होता है? समाज क्या होता है? तो समाज मतलब मेरा परिवार, आपका परिवार, आपका परिवार, आपका परिवार, ये मिलके क्या हो गया? तो मूल तो परिवार ही हुआ ना। तो इसलिए कोई भी प्रस्ताव आज तक जो आपको मिले हैं, आगे भी जो मिलेंगे, उसको जांचने का यही तरीका होगा, मेरे काम का है कि नहीं है, मेरे परिवार के काम का है कि नहीं है। अगर दो के काम का है तो बाकी के काम का होगा ही होगा, ठीक है। अब इसको जांचने के तरीके, ये तो हो गया तरीका, आधार क्या होगा, बेस क्या होगा? तो बेस इसका होता है तार्किक है कि नहीं है, सार्वभौमिक है कि नहीं है, सार्वभौमिक है कि नहीं है, जीने योग्य है कि नहीं है, समझाने योग्य है कि नहीं है, यह आधार होगा कि जो बात मैं सुन रहा हूं वो लॉजिकल है कि नहीं है। देखिए एक जमाना था, हमारी वो पीढ़ी थी, कि हमारी पीढ़ी में तर्क करना ये बहुत खराब बात मानी जाती थी। मतलब मैं कह रहा हूं ना मानो, लेकिन अभी जो पीढ़ी आ गई है, अगर बात लॉजिकल नहीं है तो छोटे बच्चे बोल देंगे कि लॉजिकल नहीं है आप जो बोल रहे हो। तो अब वो जमाना धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है कि लॉजिकल नहीं है तो बच्चे नहीं स्वीकार करते, तो दूसरा कैसे करेगा? तो कुल मिला के जांचने का आधार ही है तार्किक है कि नहीं है, सार्वभौमिक है कि नहीं है, फिर जीने योग्य है कि नहीं है। अगर जीने योग्य है तो समझाने योग्य होता है। तो जो आप कह रहे हो कि मैं समझाने जाती हूं तो बहस हो जाती है और फिर हमको ही शंका हो जाती है कि हमारी बात ठीक है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको अपने जीने योग्य अभी लगा ही नहीं है। आप जांच के देखिएगा, जब भी आप किसी के सामने प्रस्ताव को रख करके आपको लगता है समझाने लायक नहीं है, इसका मतलब ही है कि आपके भी जीने लायक वो नहीं है। तो एक हम लोग एक लाइन बोलते हैं, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ समझाने के नहीं जीने के काम आता है। तो सुना हुआ सुनाने के काम आता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं देखूंगा कि आप सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं कि ध्यान से सुन रहे हैं। तो सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। अगर आपके जीने के काम आ रहा है, जो आप जी रहे हो वो समझाते बनता ही है, जो जी नहीं रहे हो वो समझाते नहीं बनता, आपका ही विश्वास अंदर से हिला रहता है। तो ये तरीका है। अभी तो देखिए कंटेंट नहीं आ रहा, अभी मैं शिविर शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं बता रहा हूं शिविर लेने का तरीका क्या होगा। जो भी आपके सामने इन बोर्ड पे प्रस्ताव आएंगे, मतलब मैं रखूंगा बोर्ड पे लिखूंगा, उसके जांचने का यही तरीका होगा। अगर आपको स्वीकार हो जाता है तब आप उसको जी कर देखते हैं, यानी जीना होता है, इसको जीना कह दें, जीना होता है। तो इस ढंग से इस प्रस्ताव को, सारे प्रस्ताव को रखा जाएगा। आपको ये विधि स्वीकार है? हाँ जी, आप सबको ये विधि ठीक लग रही है? ठीक है, तो इस विधि से बात को रखेंगे। अभी क्या है कि हम जैसे कुछ चीजों को मान लिए हैं, जाने नहीं है, तो उसका खतरा क्या होता है?
जैसे हमने एक चीज मान लिया है और हम शिक्षा में दिल्ली में कुल सरकारी शिक्षक जो हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, एक्चुअली दिल्ली में तीन तरह के स्कूल हैं। एक दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिनकी संख्या 1034 है। एक तीन एमसीडी है दिल्ली में, तो एमसीडी के पास जो स्कूल हैं उनकी संख्या लगभग 1800 है, और तीसरे प्राइवेट स्कूल हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के जो 1034 स्कूल है उसमें कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 45 से 46 हज़ार टीचर हैं। और एससीईआरटी है पूरी, एससीईआरटी इस जिम्मेदारी के साथ बैठी हुई है कि मैं इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को देखूंगा और ठीक करूंगा। मतलब एससीईआरटी का काम है ये, पाठ्यक्रम को बदलना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना और मूल्यांकन करना और सारी चीजें करना। तो मैं उनकी सभा में बोलता हूं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है और आप बदलाव भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मान करके पढ़ाते चले जा रहे हैं। बोले जैसे एक बात बताइए, तो मैं उनको रखता हूं कि एक सूत्र पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। और साधन सीमित है। ये बाकायदे किताब में लिख करके हम इसको पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र के किताब में हम पढ़ाते हैं, और बच्चा ये नहीं लिखता है तो हम नंबर उसको नहीं देते हैं। ये प्रस्ताव है, ये लगातार हम पढ़ाते आ रहे हैं। किसी समय में ये कहा गया था, किसकी थ्योरी है ये? चलिए नाम से क्या रखना है, नाम हम भी किसी का लेना नहीं चाहेंगे। तो ये पढ़ाया जाता है कि मानव की आवश्यकताएं असीम हैं और धरती पे साधन सीमित है। आपने सुना है ये? आप लोगों ने सुना है? हाँ जी सुना है ना, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में सब पढ़ाया जाता है। अब आप इसको जांच के देखिए। जैसे मैं एक मानव हूं और मेरी आवश्यकताएं कितनी है, कितनी है, आप बोल ही नहीं रहे। तो जो पढ़ने के अनुसार लगता है कि मैं एक मानव हूं, मेरी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, तो क्या मेरी अकेले की एक आदमी की आवश्यकता जिंदगी में हम कितना भी भाग दौड़ कर लें, सर कूट लें, पूरी हो पाएगी? इस सिद्धांत के अनुसार एक आदमी की पूरी हो पाएगी? संभावना दिखती है? इस सिद्धांत के अनुसार तो नहीं दिखती है, क्योंकि बता रहे हैं मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो मेरी अकेले की पूरी नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि मैं पूरी जिंदगी अनिश्चितता में जीऊंगा। कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, पता नहीं, मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव निश्चितता में आ सकता है? इस सिद्धांत के अनुसार मानव निश्चितता में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन मानव निश्चितता चाहता है कि अनिश्चितता चाहता है? बताओ बेटा, आप बताओ, आपको हिंदी समझ में आती है ना? हाँ, सीरियल हिंदी में आते हैं, फिल्में हिंदी में आती हैं ज्यादातर। तो आप बताओ। हाँ जी नमस्ते, आप अपना नाम बताओ। आन्या, आर्या, अच्छा। तो आप ये बताओ, आप चाहती हो कि आप घर में रहो तो हर चीजें बिल्कुल निश्चित रहे या अनिश्चित सा रहे, कि आप जाओ घर पे और पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या चाहती हो? कि नहीं, हम घर जाएं तो खाना मिले। हाँ, माइक में बोलो। अच्छा ऐसे ही बोलो, आप क्या चाहती हो? आप घर में जाओ तो आपके पसंद का खाना मिले या पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या चाहती हो? मिले, मिलेगा, मिले। आप क्या चाहती हो? आपके बर्थडे पे बर्थडे मनाया ही जाए और लोग उस पे गिफ्ट दे ही। हाँ, हाँ। ये निश्चितता चाहती हो आप? कि ऐसा चाहती हो, पता नहीं बर्थडे मनाया जाएगा, पता नहीं लोग गिफ्ट लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा पता नहीं, ये सोच के आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा।
एक बच्चे से मैंने पूछा और बुजुर्ग से, सभी को देखिए, सबको निश्चितता चाहिए। आप अपना अपना जांच के देखिए। इसीलिए तो हम परिवार बनाते हैं, इसीलिए तो हम समाज बनाते हैं, इसीलिए हम उत्पादन करते हैं, इसीलिए हम सारे काम सुबह से शाम तक करते हैं कि एक निश्चितता आ जाए, एक निश्चितता आ जाए, खाने की निश्चितता आ जाए, पहनने की निश्चितता आ जाए और सुरक्षा की निश्चितता आ जाए। अभी तो सबसे ज्यादा खर्च किस पे हो रहा है? खाने पे हो रहा है, कपड़े पे हो रहा है कि अभी देश का मत, आप अपने घर का बताइए, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे है? तो आप जांच के देखिए, सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पे है। और दुनिया का जो लोहे का उत्पादन है उसमें से 55% उत्पादन सुरक्षा पे खर्च होता है। लोहे का बड़े बड़े गेट, ताले, खिड़कियां, दरवाजे, सब क्या है? अरे इस दरवाजे में लोहा लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों लगाया है, क्यों लगाया है? कोई कूद के ना आ जाए। तो सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पे है। क्यों? क्योंकि हम अनिश्चितता में हैं। किससे? आदमी से। क्या मजे की बात है। डर किससे है? डर किससे है? अभी जानवर से डर है? विसनगर में जानवर घुस आते हैं, शेर वगैरह, कोई डर नहीं है। कोई बाढ़ से, बरसात से, भूकंप से, इससे डर है? भूकंप से होगा अभी थोड़ा बहुत, हालांकि हम मकान भी भूकंप रोधी बनाने लगे हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा किससे है? तो हमारे पिताजी बोलते हैं कि जब हम लोग छोटे थे और कहीं बिराने में जाते थे सुनसान इलाके में, और कोई आदमी दिख जाता था तो बड़े खुश हो जाते थे, अच्छा अच्छा आदमी दिख गया। आजकल आप बिराने में जा रहे और आदमी दिख जाए? सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक इकाई क्या हो गई है? आदमी। जबकि आजादी इस देश को मिले कितने साल हो गए? 72 साल हो गए। उसके पहले भी यह देश था, हजारों साल से था, लेकिन हम अगर एक आजादी को एक बाउंड्री लाइन मान लें, तब से इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है कि घटी है, बताइए? तो आजादी के समय अपने देश में पढ़े लिखों की जो प्रतिशत था वो 34-35% था। अभी कितना हो गया है? किसी को है डेटा पता? लगभग 78-79% पढ़े लिखे लोग इस देश में हो गए हैं। तो आजादी के बाद से पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, उसके साथ ही मानव का मानव से विवाद, झगड़े बढ़े हैं, मानव का दुख बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, प्रकृति के साथ लूट खसोट बढ़ा है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं भैया 72 साल से? क्या इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए सर कूट रहे हैं, इसीलिए इतने सारे स्कूल खोले हैं, SCERT खोले हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, राज्यों में, केंद्र में, सब करके कर क्या रहे हैं 70 साल से? असुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात है, जितनी बातें हमने बोला, भ्रष्टाचार, अपराध, धरती के साथ लूट खसोट, ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं या ना पढ़े लिखे लोग? तो शिक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? तब जाके दम आता है। देखिए, जब अपने अंदर समीक्षा होती तब जाके दम आता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग में काम करते हुए शिक्षा विभाग का जो सबसे उच्च संस्था SCERT, उसमें खड़े होकर बोला जाता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो। इससे अनिश्चितता आती है, इससे असुरक्षा आती है, इससे भविष्य की चिंता आती है। फिर बोलेंगे नहीं ये तो सही है, सही चीज पढ़ाया जाए, तो आप जांचिए सही है कि नहीं है। तो जांच के देखिए, यहां बैठे हुए सभा में एक आदमी भी अपना कैलकुलेशन कर ले, एक जिंदगी आप कितने साल जीना चाहते हैं, मतलब एक उम्र कितनी आपकी हो सकती है मैक्सिमम? 100 साल। मतलब कितना भी दवाई वाई खा के, योगा करके, सब करके कितने साल जिएंगे? दवाई खा के, चेकअप करके, ऑपरेशन करा के, योगा करके, दौड़ भाग करके मैक्सिमम कितना साल जी सकते हैं? 100 प्लस माइनस। ठीक, तो 100 साल में आप जो खाते हैं वो असीमित होगा कि सीमित होगा?
जैसे एक दिन में आप कितना अनाज खाएंगे? आधा किलो, एक आदमी, मतलब बच्चों को नहीं कर आधा किलो खाएंगे, बाकी बड़े तो आधा किलो खाएंगे, तो एक महीने में 365 दिन में कितना खाएंगे? एक सौ तिरासी किलो। तो 100 साल में कितना खाएंगे? 18,000 किलो। ये सीमित है कि असीमित है? ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। कपड़े आप कितना पहनेंगे एक साल में? जो बहुत कपड़े खरीदते हो पहनते हो कितना पहनेंगे? हैं? हाँ, मैक्सिमम वाला लेके चलिए, मिनिमम लेके चली नहीं रहे, हमें नहीं कर आप एक ही कपड़े पहनिए, मैक्सिमम कितना पहनेंगे एक साल में? धन्यवाद भैया, देखिए मेरी आवश्यकता को आप पहचान गए। तो एक साल में कोई बहुत पैसा खर्च करेगा तो 50 कपड़े पहनेगा या 100 कपड़े खरीद के लाएगा? पहनेगा तो नहीं 100, देखिए पहनेगा तो नहीं 100, हाँ खरीद के भले 100 रख सकता है। तो अभी हमने कपड़े इतने खरीद के रख दिए, खासकर बहने, पता नहीं भाइयों का पता नहीं है कि अगर कपड़ों को आंसू होते तो अलमारियां गीली मिलती, बक्से जो है वो गीले मिलते, रो रो के बुरा हाल था, उनका नंबर ही नहीं आता, भरा हुआ है, क्या हम सदुपयोग करेंगे, हमको विवेक ही नहीं है क्या लेना क्या नहीं लेना, ले आके भर दिया खाली। तो खरीद 100 सकते हैं, तो एक साल में 100 खरीद सकते हैं, तो 100 साल में कितने खरीदेंगे? 10,000। ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अगर हर साल आप मकान बदलते हो, हालांकि कभी किसी के लिए संभव नहीं है, या हर 10 साल पे मकान बदलते हो, तो 100 साल में कितने मकान बदलेंगे? 10 मकान। ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो क्या चीज हम पढ़ा रहे हैं अनलिमिटेड है? मानव की आवश्यकताएं असीमित है, क्या चीज पढ़ा रहे हैं? तर्क क्या कहता है? यह अनलिमिटेड है, एक भी चीज नहीं है। और साधन तो अनलिमिटेड नहीं, मतलब ये क्या है, इसको असीमित नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सीमित भी नहीं कहेंगे, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये तो कम कपड़े में जीने को कह रहे हैं। तो जीवन विद्या वाले कम कपड़े में जीने के लिए कह रहे हैं, जीवन विद्या वाले कम खा के जीने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा जीवन विद्या कुछ नहीं कह रही है, कह रही है कि आवश्यकताएं असीमित नहीं है, ये कह रही है। हम नहीं कह रहे आप सीमित कर लीजिए, आज के बाद जाइए और कपड़े दान कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आवश्यकताओं को अगर पहचानते हैं तो ये निश्चित है, सीमित शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, निश्चित है। हर मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं, एनफ। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्या चीज ग्रहण करते हैं? आपके शरीर में सबसे ज्यादा शरीर को क्या चीज की आवश्यकता है? हवा की। हवा की। तो आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, जितना आपको हवा चाहिए उससे कम है या बहुत ज्यादा है? तो जो चीज आपको 24 घंटा चाहिए वो चीज इतना पर्याप्त है, तो जो चीज 24 घंटा नहीं चाहिए वो चीज कैसे अपर्याप्त होगी? इसलिए मानव की आवश्यकताएं, हाँ भैया मैं देख गया, तो मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पर साधन पर्याप्त हैं, ये शिक्षा विधि से गया नहीं आज तक। तो दोष शिक्षा का है या साधनों का है? दोष हमारे सही शिक्षा न होने का है या साधनों का है? तो परेशान धरती हो रही है आपकी गलत शिक्षा के कारण। कैसे परेशान हो रही है? तो अभी ब्रेक में क्या है? चाय है, मतलब मुझे पता नहीं है ना क्या व्यवस्था है, तो मैं बोल दूं चाय है और पता चले कि चाय है ही नहीं है। तो अभी इसमें, अब इसको मान के जीने से समस्या क्या आती है, और जब ऐसा जीते हैं तो क्या आसान हो जाता है, ये टी ब्रेक के बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।